हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे यूएफा नेशंस लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा जॉर्जिया और नॉर्थ मैकेडोनिया के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम का हर एक प्लेयर के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को कम्प्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर। तो गई जॉर्जिया फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 82 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें नॉर्थ मैकेडोनिया फिलहाल के टाइम पर 64 पोजीशन पर है। तो गई इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं आपको सेम लेवल के ही देखने को मिलेंगे। तो गई अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गई मैं फिलहाल के लिए जॉर्जिया को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं जॉर्जिया को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लैंग्वेज हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैच खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम किसी और से, और यहां से भी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीम के बीच में लास्ट चार हेड टू हेड मैच हुए हैं जिनमें से जॉर्जिया ने इस टीम के सामने एक मैच विन किया है, दो मैच ड्रॉ खेले, सिर्फ एक मैच लॉस किया है। अटैक से 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम बीच में खेला गया उस मैच को जॉर्जिया इसी टीम के सामने 3-0 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज 3 गोल स्कोर किए लेकिन डिफेंस से एक भी गोल कंसीड नहीं किया, और उस मैच में जॉर्जिया का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी शानदार था अटैक से भी और डिफेंस से भी। और उससे भी मुकाबले फिर नॉर्थ मैकेडोनिया इस टीम के सामने 1-0 से मैच को विन किए हैं, और उससे पिछले दो मैच इन दोनों टीमों के बीच में अटैकिंग ड्रॉ खेले गए। दोनों टीम ने एक एक गोल स्कोर किया और डिफेंस से भी दोनों टीमों एक दूसरे के सामने एक गोल कंसीड किया। अगर हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो जॉर्जिया का जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने वो कहने के आपको बेहतर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू नॉर्थ मैकेडोनिया। तो इसीलिए मैं जॉर्जिया को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस जॉर्जिया करंटली 6 मैच खेल चुके जिनमें से इस टीम ने 4 मैच विन करें, 2 मैच ड्रॉ खेले, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया। अटैक से 2.2 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस से 0.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक, और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 या 3 या उससे भी अधिक गोल तक स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। आप अंदाजा लगा सकते हो पिछले 6 मैच में इस टीम ने सिर्फ 2 ही गोल कंसीड किए हैं। तो परफॉर्मेंस अटैक भी और डिफेंस भी काफ़ी शानदार है जॉर्जिया का। अब बात करें जो पिछला मैच जॉर्जिया बुल्गारिया के सामने डिफेंसिव मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही, ना ही गोल स्कोर किया और ना ही गोल कंसीड किया, और उससे भी मुकाबले ये टीम 3-0 से मैच विन कर आ रही, और उससे भी मुकाबले बुल्गारिया के सामने 5-2 से मैच को विन भी किए, और एक मैच गिब्राल्टर के सामने टीम 4-0 से विन किए, और एक मैच इस टीम ने डिफेंसिव ड्रॉ खेला, और एक मैच इस टीम ने बोस्निया के सामने 1-0 से मैच को विन किया है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो एक ही मैच ऐसा गया जिस मैच में इस टीम ने 2 गोल कंसीड किए, वरना सारा मैच में इस टीम ने क्लीन शीट भी रखी है और मैच को विन भी किया है। तो परफॉर्मेंस रिसेंटली जॉर्जिया का अटैक और डिफेंस काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात आती है नॉर्थ मैकेडोनिया के जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस नॉर्थ मैकेडोनिया करंटली 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें से टीम ने 3 मैच विन करे, सिर्फ एक मैच ड्रॉ खेला और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस से 1 गोल तक कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम पर मैच में एक, और कभी कभी तो ये टीम अपने से हल्की टीम के सामने पर मैच में 2 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस भी इस टीम का कहने के आपको सही देखने को मिलेगा क्योंकि 1 गोल एवरेज है इस टीम का, तो जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती, कभी कभी गोल कंसीड करती है। अब बात करें जो पिछला मैच नॉर्थ मैकेडोनिया गिब्राल्टर के सामने 4-0 से मैच को विन कर गई, अटैक से 4 गोल स्कोर किया लेकिन डिफेंस से गोल तक कंसीड नहीं किया, फिर यहां से जॉर्जिया के सामने टीम 3-0 से लॉस की, और एक मैच जिब्राल्टर के सामने फिर ये टीम 2-0 से विन की, एक मैच इस टीम ने बुल्गारिया के सामने अटैकिंग ड्रॉ खेला, और पोर्टुगल के सामने टीम 2-0 से मैच को लॉस कर गई, और इटली के सामने टीम 1-0 से मैच को विन कर गई। और इटली काफ़ी बेहतरीन टीम है और उस टीम के सामने टीम मैच को विन कर गई। अगर ओवरऑल अगर उस मैच को देखा जाए तो इटली का जो परफॉर्मेंस इस मैच में वो काफ़ी शानदार था अटैक से भी और डिफेंस से भी, लेकिन लक नॉर्थ मैकेडोनिया के साथ था और मैच को विन कर गई। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार
जॉर्जिया की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डाउन देखने को मिलती है और नॉर्थ मैकेडोनिया की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए जॉर्जिया ने इस टीम से रिसेंटली मैच विन किया है, अटैक भी काफ़ी शानदार था और डिफेंस भी काफ़ी शानदार था और नॉर्थ मैकेडोनिया इस टीम के सामने कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर ही देती है। तो रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए जॉर्जिया का जो परफॉर्मेंस है अटैक और डिफेंस काफ़ी शानदार है और नॉर्थ मैकेडोनिया का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज भी एवरेज है और डिफेंस भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर ही देता है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में जॉर्जिया एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं जॉर्जिया को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि आज के मैच में जॉर्जिया इस टीम के सामने दो गोल स्कोर कर सकती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ मैकेडोनिया का डिफेंस गोल कंसीड कर देता है और मुझे लगता है कि जॉर्जिया आज मैच में गोल कंसीड ना करेगी, तो इसलिए मैं अपना इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 2-0 और 2-0 को प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करूँगा ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नज़र डालते हैं जॉर्जिया के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे नॉर्थ मैकेडोनिया के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं जॉर्जिया के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियो इन्फॉर्मेटिव पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और हाँ दोस्त, इस मैच की समोली की टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो का टॉप का कमेंट और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नज़र डालते हैं जॉर्जिया के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस जॉर्जिया की टीम तरफ से नेशंस लीग में जो हाईएस्ट गोल टेकर है यहाँ से कविचा, जो कि इस टीम की तरफ से 3 गोल कर चुका है और 1 गोल इसने पेनल्टी में किया है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये टॉप क्लास प्लेयर है, तो इनको आप इन्हें टीम में ट्राई करके जरूर चलना। ओके, फिर यहाँ से वालेरी है जो कि आपने देखा होगा ये जापानीज लीग और चाइनीज लीग में काफ़ी अच्छे खेला और वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस वो टॉप क्लास रहा है, एक टॉप बेस्ट प्लेयर है, तो इनको भी आप ट्राई करके चल सकते हो। ओके, फिर यहाँ से बूडू है, इस टीम की तरफ से 2 गोल निकाल चुका। फिर यहाँ से जोरी को जो कि 1 गोल, बाकी सभी और प्लेयर्स हैं उन सभी का 1-1 गोल है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन जो टॉप क्लास प्लेयर है जिनको हम ट्राई करके चलना चाहिए, तो आपके सामने ये 3 प्लेयर हैं, इनको आप टीम में ट्राई करके चल देना। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर है जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए। तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामला अगर देखा जाए तो कविचा जो कि 2 असिस्ट और 1 साबा, एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तुर्की लीग में खेल चुका है, प्लेयर काफ़ी शानदार है, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी शानदार है, तो दोनों को ट्राई कर सकते हो। ओतर और निका, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का 1-1 असिस्ट, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है नॉर्थ मैकेडोनिया, उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो हम नज़र डालते हैं नॉर्थ मैकेडोनिया के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस नेशंस लीग में नॉर्थ मैकेडोनिया की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर एनिस बार्डी जो कि लाली का खेल चुका, रिसेंट फॉर्म इसका भी काफ़ी शानदार है, फिलहाल टाइम पर डिफेंसिव पोजीशन काफ़ी अच्छा कर लेता है। फिर यहाँ से डार्को है और फिर आपके यहाँ से मिलान है, फिर बोजान है, फिर यहाँ से बोबान है। लेकिन देखो ये 3 प्लेयर्स हैं, इनको तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जब ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे तब इन प्लेयर्स का वहाँ पर आप इन डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से भी के लिए एक बार्डिक टॉप क्लास प्लेयर, तो इनको ट्राई करके चल देना। अब बात करते हैं इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए। तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइस असिस्ट मामला अगर देखा जाए तो यहाँ से डोरियन 1 असिस्ट और यहाँ से अली जोस्की जो कि टॉप क्लास प्लेयर है 1 असिस्ट निकाल चुका। फिर यहाँ से टोडोर है जिसने 1 असिस्ट निकाला है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन अली ओस्की एक टॉप क्लास प्लेयर है, ये याद रहे। ओके, तो अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन मैंने रखी है 2-0 और 2-0 को प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे नज़र डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर और अब इस वीडियो का सेकेंड बेस्ट पार्ट भी शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, मैं आपके लिए बता दूं मैं इस मैच में एक फेवरेट टीम जॉर्जिया को मान के चलाऊँ, तो मैं इसलिए अपनी टीम में 7 प्लेयर इस टीम के लेकर चलूँगा और मैकेडोनिया में एक एवरेज टीम मान चलाऊँ, तो इसलिए मैं 4 प्लेयर मैकेडोनिया को पिक करूँगा। कुल मिलाकर हमें इस मैच में 11 प्लेयर पिक करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। आप चाहे तो यहाँ से 5-6 का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि 7-4 का कॉम्बिनेशन इस मैच में सही रहेगा। बात करें गोलकीपर सेक्शन से, तो ऑप्शन आपके सामने 2 हैं, तो दोनों में ये गोलकीपर आपको बराबर के टेस्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस भी मजबूत है और अटैक भी कहीं ना कहीं आपको सही देखने को मिलेगा। तो मैं अभी के लिए जॉर्जिया के गोलकीपर को फर्स्ट सजेशन देता हूं। ओके, बात करें डिफेंडर सेक्शन में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी अली ओस्की, एक टॉप क्लास प्लेयर है, इनको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। फिर मेरे सेकंड ऑप्शन रहेगा शाबा जो कि क्लास प्लेयर है, डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा है इसका, तो इनको पिक करना सही है। ओके, फिर यहाँ से काशिया, ये टॉप क्लास प्लेयर है, डिफेंसिव वर्क अच्छा लेता है, इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट देता है, की पास भी निकाल लेता है, तो इसलिए इनको भी ट्राई करूँगा। और फिर यहाँ से मुशलियो, अगर आप जानते हो कि प्रीमियर लीग में खेल चुका और वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता तो ट्राई कर सकते हो। कोचालो जो कि 1 गोल आ चुका है इस प्लेयर का, आप इन्हें भी रख सकते हो, लेकिन मैं भी अभी के लिए रखूँगा। बाकी यहाँ जितना और प्लेयर
प्लेयर्स हैं, ये खेलेंगे जरूर, लेकिन लाइनअप के बाद इनका पता चलेगा कि इन दो में दो तीन में से कोई एक ही खेलेगा, वो लाइनअप के बाद ही क्लियर हो जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पे जितना और भी प्लेयर्स हैं उनको मैं ज़्यादा सजेस्ट आपके लिए करूँगा नहीं। ओके, बात करें यहाँ से मिडफील्ड सेक्शन में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी बार्डी रहेगी, इस टीम की तरफ से टॉप क्लास प्लेयर है। फिर यहाँ से अडेमी भी डिफेंसिव वर्क अच्छा कर लेता है और असिस्ट पोटेंशियल हाई रखता है, तो इनको ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से कविचा को पिक करूँगा क्योंकि इस टीम की तरफ से टॉप क्लास प्लेयर है, तो इनको पिक करना बनता है और कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें बना सकते हो। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन निकल कर आती है इलजिफ इलमार, ये काफ़ी शानदार प्लेयर है और इटली की सैरी ए लीग में खेल रहा फिलहाल, तो एक मतलब एक ट्रस्टेबल प्लेयर है कि आज इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो इसलिए मैं इनको भी ट्राई करके चलूँगा। बाकी यहाँ जितने ये प्लेयर्स हैं ये लाइनअप के बाद इनको डिपेंड करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनका इतना ज़्यादा अच्छा डिफेंसिव वर्क आ पाएगा। ओके, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस तो अच्छा है तो गोल आने का चांस थोड़े से कम है, तो इसलिए इनको ड्रॉप कर गया हूँ मैं। और बाकी यहाँ पर जितने और भी प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं तो ये एक क्लास प्लेयर तो है नहीं, मैं इनको एवरेज प्लेयर मानूंगा, लेकिन अभी के लिए इनको ड्रॉप करके गया हूँ। बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वालेरी, जो कि क्लास प्लेयर है। वालेरी जापानीज लीग, चाइनीज लीग और तुर्की शायद हाँ साउथ कोरियन लीग, इन सब में भी खेल चुका है, तो इसलिए इनको पिक करके जरूर चलेंगे। फिर यहाँ से ट्राजकोविच की है, मैकेडोनिया की तरफ से टॉप क्लास प्लेयर है, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस में ये टॉप क्लास प्लेयर था, तो वलारी और ट्राजकोविच की इनको हम जरूर पिक करके चलेंगे। फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन निकल कर आता है रिस्टोविच की, आप रिस्टोविच को ट्राई कर सकते हो, और आपके सामने मिवोच की, ये भी बेस्ट प्लेयर है, तो इनको कर सकते हो पिक। लेकिन मैं अभी के लिए बोर्डो को पिक करके चलाऊँ, जिसने इस टीम के तले मतलब कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओके, तो अभी के लिए मैं बोर्डो को पिक करता हूँ। तो मेरी टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है, याद रहे ये वीडियो के आधार पर टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के बाद पोजीशन का अकॉर्डिंग, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कैप्टनसी हमें आज के मैच में काविचा को ही देनी चाहिए, क्योंकि इस टीम की तरफ से एक क्लास प्लेयर है। और वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो ऑप्शन आपके सामने काफ़ी अच्छे हैं, बार्डी है, अगर गोल नहीं भी करेगा तो भी डिफेंसिव पॉइंट दे जाएगा, अलियोस की इस टीम तरफ से पेनल्टी ले सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इलजिफ इलमास टॉप क्लास प्लेयर है, बिल्कुल भी आप मतलब हल्के में मत लेना। ओके, ट्राजकोविच की एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा और सबसे ज़्यादा गोल आने का चांस रहेंगे नॉर्थ मैकेडोनिया के इस प्लेयर तरफ से, अगर ये आज के मैच में खेलता है तो। फिर वालेरी भी अच्छा प्लेयर है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा खराब प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है, और इसने जिस लीग में भी खेला उसमें काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया, तो किसी को बना सकते हो। ये आपके सामने ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। जो मेरी फाइनल कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी मैं एक बार फिर से टिक कर देता हूँ, कविचा मेरी टीम का कैप्टन है, और वाइस कैप्टन से अगर बात की जाए तो मैं बार्डी को भी के लिए अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना के चलाऊँ। ओके, तो ये मेरी टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, वीडियो पसंद आई एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखना। ओके, बाय।